नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, नई दिल्ली जबलपुर रेलखंड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आज का ये वीडियो काफी अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान हो जाओगे। आपको बता दे, नई दिल्ली से जबलपुर आ रही गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ एक बड़ी रेल दुर्घटना हो जाती है। दोस्तों, ये घटना कैसे हुई है, कहां पर हुई है, इस घटने का आखिरकार कौन जिम्मेदार है, क्या है पूरी घटना, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होता यूं है कि नई दिल्ली से जबलपुर आ रही एक ट्रेन पलटने से बच जाती है। दोस्तों, अगर हम इस घटना की बात करें तो ये घटना हुई है सिहोरा जबलपुर रेलवे स्टेशन के बीच। कल के दिन शनिवार की सुबह नई दिल्ली जबलपुर गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है। दरअसल दोस्तों, होता यूं है कि नई दिल्ली जबलपुर अपने निर्धारित समय से जबलपुर के लिए खुलती है। उसी दौरान उरई स्टेशन के पास रेल की पटरी टूटी हुई होती है। तभी रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, फिर अचानक उस व्यक्ति को टूटी हुई पटरियों पर नजर पड़ती है। उसके थोड़ी देर बाद नई दिल्ली जबलपुर ट्रेन आ रही होती है। तब उस युवक ने अपनी गुलाबी टी शर्ट को उतार कर और ट्रेन को रोकने का इशारा कर पटरी की तरफ उंगली दिखाने लगता है। लोको पायलट ने तुरंत खतरे को देखकर ट्रेन की स्पीड कम कर देती है। तब तक टूटी हुई पटरियों से ट्रेन के 10 डिब्बे निकल चुकी होती है, लेकिन ट्रेन पलटने से बच जाती है, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उस व्यक्ति की वजह से कई यात्रियों की जान बच जाती है और रेलवे को भी कोई नुकसान नहीं होता है। रेलवे कर्मचारियों को सूचना मिलने के बाद टूटी हुई पटरियों की मरम्मत की जाती है। टूटी हुई पटरियों की मरम्मत करने में लगभग एक घंटे का वक्त लग जाता है। जब रेलवे अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, तब उस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।